और ये देखो मुझे धमकी दे रही है साथ में। मुनिया ले, तेरा दोस्त मेरे जाने की खुशी में रसगुल्ला लाया है। मैं अभी पहली बार देख रही हूँ कि जो ढीला बंदा है ना उसे ऐसे लकड़ी से टाइट कर दे। अभी से लड़ना शुरू, अभी तीसरा दिन हुआ तेरे को, कहाँ जा रहा हूँ उससे लड़ने। अरे बाप रे, वो तो एक मारेगा वैसे ही लाली को मार देता है। नहीं लालू, नहीं लालू, ये इसको भी देखना तेज बन रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका एक और अपने नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 1 बजे दोस्तों, और 1 बजे ही स्टार्ट हो रही है हमारी कचमोली की तैयारी। ये देखो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने इसको कब से बोला था कि चबूतरे लेकर आना, आज वो दिन आया है लगभग 2 महीने बाद, तब जाके वो चबूतरे लेकर आया। आपका कुछ कहना है इस बारे में बोलो जी? तो कुछ नहीं कहना, बस आजकल वो लिखा है। हमको कुछ नहीं कह रहा, बोला आपको बबराना है मिर्ची से, उसने आज सोच रखा है। एक्चुअली दोस्तों, मैं अगले व्लॉग में आपको देहरादून दिखूंगी, मतलब मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने घर मायके। तो इसने बोला कि अब आपको जाते जाते मिर्च कानों में बल क्या करना है, बबराहट करनी है बल, कि आपको कल सुबह तक गाड़ी में भी बल बबराहट होती रहेगी, उल्टी नहीं आएगी। उल्टी नहीं आएगी बल है। उसको आज सुबह ही पता चला कि मैं कल जा रही हूँ, तो आज वो कहीं ना कहीं से लेकर आया चबूतरे। अरे कुछ तो बोल, बोल ले कुछ। नहीं कुछ नहीं बोलने। अरे बोल ले कुछ, कुछ तो बोल ले। और मैंने उसी को बिठा रखा है, तू ही छिल, तू ही बना, तू ही खिलाएगा, तू ही खिलाएगा, बोल रहा तुम लोग छिलने तो लगो। पर दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए, मैं सीधा खाने के लिए आऊंगी यहाँ पे, ठीक है? दगड़ियो मैं तो आएगी नहीं के, और कचमोली बनी चुन खेली, यहाँ पे दीदी भी है, पता नहीं सूरज की रोशनी से दिख रहे नहीं दिख रहे। ये वही वाली दीदी है दोस्तों, 4 बोतल शराबा 4 बोतल थी कि 2 बोतल शराबा थी। और ये गोलू ने कचमोली बनाई और खुद भाग गया, उसको आवाज लग गई थी तब तक का। मैं देखती हूँ उसने कैसे बना रखी है चटपटी, मैंने भी खाई है। जैसा बोल रहा था ना वो वैसी बना रखी उसने एकदम, कंट खोलने वाले। हरा मट्ठा हमारा खत्म हो गया था तो उसने थोड़ा मिर्च ज्यादा डाल रखी है, पर इसमें थोड़ा खट्टा और मीठा भी रहता है ना, तो इसलिए खाया जाता है वो मिर्च वाला भी, पर अच्छी हो रही है दोस्तों कचमोली तो। कैसे भी मिर्चों में खाई लेती हूँ, सनु ने भी खाई है। और 2 बज गए, मिस्टर जी अभी तक नहीं आए घर, जब वो आते तभी खाना खाया जाता है। अभी मम्मी उन्हीं को फोन कर रहे हैं, काम बचा के रखना है, हैं होमवर्क। अच्छा मम्मी क्या बोल रही, टॉफी और चॉकलेट तो उसी समय खा लेती सारी, वो तो बचा के नहीं रखती तू। टॉफी चॉकलेट के लिए तो बोलती है अभी खा लो मम्मी सारी। और स्कूल का होमवर्क बचा के रख लो टीचर के लिए, टीचर के लिए बचा के रख लो, टीचर करेगी स्कूल में ना। है सोनू, लगड़ियों बज गए हैं दिन के 3 और अब हो रहा है हमारा खाने का टाइम, क्योंकि मेरे मिस्टर जी भी अभी आए हैं। तो आज खाने में हमारा बना है कड़ी भात और ये खुशगा मीठा भात। इधर ज़्यादातर पता क्या करते हैं, कड़ी और मीठा भात खाते हैं, मतलब कड़ी के साथ मिक्स करते मीठे भात को तब खाते हैं। मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं आपको दिखा रही थी कि देखो हमने मीठा भात भी बनाया है। ये आदमी को बहुत खुशी हो रही मेरे जाने की, आज रसगुल्ला ले आए कि मैं जा रही हूँ। कहाँ गए? जोर से बोले, जोर से। सुना ही नहीं दिया, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हो? अच्छा पूरे गांव में बांट रहे हो, इतनी खुशी हो रही है। अच्छा मुनिया ले, तेरा दोस्त मेरे जाने की खुशी में रसगुल्ला लाया है। ले कौन है तेरे दोस्त? अगर रसगुल्ला खाना है तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। दोस्तों इस मुनिया की छुई तो ऐसी चलती रहेगी यहाँ पे। मैं आपको अपना नया छप्पर दिखाती हूँ गायों का, जो हमने बनाया है। मम्मी और मिस्टर जी ने मिलके बहुत मेहनत करी है उस पर, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों ये देखो, इस दरवाजा ये इस पे और इस पे देखो बहुत मेहनत लगी थी, और मम्मी देखो अभी भी उस पे घास लगा रहे कि हवा ना जाएगा यहाँ पे। और ये देखो मिस्टर जी ने अपने आप से ठोका है ये दरवाजा,
खुलता है, अभी इसके अंदर गाय है। इस लड़की ने बहुत मजाक बनाया है यहाँ पे इस दरवाजे का कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला था ना तो खुल जा रहा था, तो इसलिए चैन लगानी पड़ती है इसमें रात को। और ये देखो मुझे धमकी दे रही है साथ में। और अब पीठ पीछे कैमरे के पीछे बहुत मजाक बनाते दोस्तों ये लोगों का, और अभी खुद कैमरे पे नहीं आना चाह रही है, पीठ फरका रखी है इस लड़की ने। इधर देखिए आप, वाह बनाती है दोस्तों, ये हमारा मजाक बनाती है हमारे सामने, मजाक की लड़की है मतलब ये बहुत ज्यादा। मम्मी ने देखो किस तरह से ढक दिया पूरा गौशाला हमारी। अब आपको पता है कि हमारी गाय भी आई है अभी अभी, तो इतनी सारी गायों के लिए जगह वैसे ही नहीं होती। मैंने आपको बोला था कि कांटेक्ट करना गाय के लिए, आप लोगों ने किसी ने हाँ ना नहीं बोली ना, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया ना, तो हमको एक और छप्पर बनाना पड़ा एक गाय को यहाँ रखने के लिए। तो जो अभी नई ब्याह है ना उसको और उसके बच्चे को यहाँ रखा है, तो मजबूत है वो, ऐसा नहीं है बाहर चादर लगी है, अंदर से उसमें बांस के डंडाए लगा रखे हैं अच्छे से। हाँ अभी आ रही है, रुक जाओ, इनकी मम्मी नहीं आई ना इसलिए बोल रहे क्यों नहीं आई मम्मी। तो ये नया छप्पर ही दिखा रही थी दोस्तों मैं आपको। शाम को चाय का टाइम भी हो गया है, चाय भी बनाती हूँ मैं थोड़ी देर में। और ये देखो चुपके चुपके मम्मी से मेरी चुगली कर रही है कि क्या बोल रही है ये। कुछ तो बोल रही थी दोस्तों ये, और उसने पहले मुँह छुपा रखा है कि चाची मेरे को ना लेकर आए। मुनिया थोड़ा ऊपर दीदी लोग के लकड़े है ना वो लेने आई थी, तो ये देखो कैसे टाइट कर रही है इसे। मैं अभी पहली बार देख रही हूँ कि जो ढीला बंदा है ना उसे ऐसे लकड़ी से टाइट कर देना, पर अगर लकड़ी टूट गई तो टाइट वाली लेना। अभी कैसे संभाल के बोल रही हो, टाइट वाली लेना। अच्छा ये हो गई टाइट, अच्छा अब बन गई है ये एकदम टाइट, खुलेगी नहीं यार रास्ते में जाते जाते। पहाड़ों की लड़की शाम के लिए तैयारी की, शाम की तैयारी के लिए लकड़ियां लेके जा रही है, हैं खुट निकाल। अच्छा और ये देखो दोस्तों हमारा गांव यहाँ से कैसे दिखता है, ये रहा इधर है दोस्तों। शाम के बज गए हैं 5:15 और यहाँ पे मम्मी गोलू भाभी मैं जा रही हूँ तो उसके लिए माल्टा तोड़ रहे हैं, और मैंने अभी अपना कोई भी सामान नहीं रखा है, वो लोग तो लगे हैं कि ये वो सो, और मैं भी बेफिक्र हो रखी हूँ कि मुझे कुछ सामान रखना है या ऐसा कुछ ना, कुछ नहीं रखा है मैंने अभी तक। वैसे सामान ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के कपड़े होंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है रखने के लिए, तो वो मैं शाम को ही रख लूँगी है ना। बाकी आज का दिन भी बस ढल ही गया है, सूरज अभी अभी नीचे गया है दोस्तों। इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करूँगी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।